उधर संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। यूपी में फिर से 300 सीटें जीतेंगे, ये दावा डिप्टी सीएम ने किया है। मुलाकात के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि कल गोरखपुर में पीएम मोदी की रैली होने जा रही है और एक बार फिर से गोरखपुर को सौगात पीएम की तरफ से मिलने जा रही है। देखिए, खासकर पूर्वांचल को लगातार बीजेपी की तरफ से सौगातें दी जा रही हैं, क्योंकि पूर्वांचल अहम हो जाता है। पूर्वांचल का जो रण है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि पूर्वांचल ही वो जगह है जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो सीधी टक्कर है वो देखी जाती है। और अपने उसी पूर्वांचल को बचाने के लिए, उसी पूर्वांचल में एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए बीजेपी हर एक संभव कोशिश कर रही है, और उन्हीं में से एक है लगातार पूर्वांचल को सौगातें देना। अब कल गोरखपुर में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी सौगात गोरखपुर को देंगे। इस बीच क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण का एजेंडा है, गाँव के विकास का एजेंडा है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का भी पहला और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है गरीब कल्याण। हम गरीबों के जीवन को खुशियों से भर देने के लिए जो कर सकते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं, मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जो कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे।